भाई अच्छा हुआ, मतलब पुलिस वालों ने भाई सिर्फ बोला कि वीडियो डिलीट कर देने के लिए, अदरवाइज अगर फाइन मार देते तो भाई आज लंबा कम से कम 1000 रुपये का चूना तो लग जाना था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन गाइस। होप्स आप सभी बहुत 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 ही अच्छे होंगे। बॉस तो हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद शहर में और अभी हम खड़े हैं या फिर चल रहे हैं हैदराबाद रेलवे स्टेशन पे। और आज की हमारी जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 12702 हैदराबाद से मुंबई के बीच में चलने वाली हुसैन सागर एक्सप्रेस, जो रोज़ाना हैदराबाद रेलवे स्टेशन से दोपहर के 2:50 पर निकलती है और आपको अगले दिन सुबह 4:55 पर मुंबई रेलवे स्टेशन पहुँचा देती है, CSMT रेलवे स्टेशन पहुँचा देती है। टोटल डिस्टेंस ये ट्रेन कवर करती है 789 किलोमीटर्स का और ये टाइम लेती है 14 घंटे 5 मिनट का। तो भाई बताते हैं अब आपको थोड़ा बहुत इस ट्रेन के बारे में। तो भाई जिस ट्रेन से आज हम ट्रैवल करने वाले हैं, इस ट्रेन को स्टार्ट किया गया था 1 अक्टूबर 1993 में और ये ट्रेन अभी भी ICF कोचेज़ के साथ ही चलती है। टोटल इसमें कोचेस है 18, जिसमें से भाई 10 स्लीपर क्लास कोचेस है, 3 थर्ड AC है, 1 सेकेंड AC है और इस ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा और फर्स्ट AC की सुविधा नहीं दी गई है। 2 जनरल कंपार्टमेंट है भाई और 2 आपका पार्सल वैन है। बट हाँ, इस ट्रेन में आपको साइड पेंट्री की सुविधा मिलेगी और आप ऑनलाइन भाई किसी भी मेन स्टेशन से खाना ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। जैसे भाई सोलापुर रेलवे स्टेशन हो गया, आपको वहाँ से ऑनलाइन फूड मिल जाएगा। और सामने खड़ी है भाई हैदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच में चलने वाली गोदावरी एक्सप्रेस। भाई नॉर्मली हर एक रेलवे स्टेशन के भाई 2 एंट्री या एग्जिट पॉइंट होते हैं भाई। एक स्टार्ट होता है जहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्टार्ट होता है वहाँ से एंट्री होता है, या फिर एक होता है जहाँ से प्लेटफॉर्म खत्म होते हैं। जैसे इस रेलवे स्टेशन में अगर 10 प्लेटफॉर्म्स हैं तो लास्ट प्लेटफॉर्म से रेलवे स्टेशन खत्म होता है वहाँ से एंट्री होता है। बट हैदराबाद रेलवे स्टेशन में मैंने देखा है भाई, मतलब अगर आप मेन गेट से एंट्री करोगे तो भाई एंट्री करते सबसे पहले पड़ता है प्लेटफॉर्म नंबर 4, उसके बाद भाई मतलब 2, 3, 4 या फिर 6 कुछ भी प्लेटफॉर्म्स आएंगे। बट स्टार्टिंग में ही एंट्री करते ही गेट पर आपको पहले मिलेगा प्लेटफॉर्म नंबर 4। ये सिस्टम भाई पहली बार देखा किसी भी रेलवे स्टेशन में, मतलब कोई प्लेटफॉर्म नंबर 4 से स्टेशन स्टार्ट हो रहा है। हैदराबाद रेलवे स्टेशन का जो स्ट्रक्चर है ना भाई, वो टोटली मैंने 4 मीनार के बेस्ड के ऊपर बनाया गया, मतलब 4 मीनार जैसा बनाया गया है। 4 मीनार के बारे में तो सब भी जानते ही होंगे, हैदराबाद का फेमस टूरिस्ट प्लेस है 4 मीनार। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया से लोग आते हैं देखने के लिए। तो अब आपको दिखाते हैं भाई हैदराबाद रेलवे स्टेशन का पूरा ओवरव्यू और आपको बताते हैं हैदराबाद रेलवे स्टेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। चलो बॉस, एक्चुअली में एक छोटा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स है बस। मेन रेलवे स्टेशन हैदराबाद सिटी के भाई 2 है, एक है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, एक है काशीगुड़ा रेलवे स्टेशन। ये मतलब ये 2 रेलवे स्टेशन इस शहर के मेन बड़े स्टेशन है जहाँ से ज़्यादा ट्रेन ऑपरेट की जाती है। तो भाई अब बताते हैं आपको इस रेलवे स्टेशन के बारे में। तो बॉस हैदराबाद रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है HYB और इस रेलवे स्टेशन को ओपन किया गया था 1907 में और ये रेलवे स्टेशन भाई साउथ सेंट्रल रेलवे के जोन में आती है और इसका डिवीजन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन है। और करेंटली भाई इस रेलवे स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 27 ट्रेन ऑपरेट होती है। बट एक बात है भाई, दोनों रेलवे स्टेशन के बीच में भाई ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो बहुत अच्छा है। जैसे कि सपोज़ आप जब हैदराबाद आएँ तो आपको सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन उतरना पड़ा है, बट आपकी जो नेक्स्ट ट्रेन है वो भाई हैदराबाद डेक्कन रेलवे स्टेशन है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बॉस। दोनों ही रेलवे स्टेशन के सामने भाई आपको मेट्रो मिल जाएगी, आप सिकंदराबाद से या फिर हैदराबाद से कहीं से भी मेट्रो पकड़ के आप डायरेक्ट किसी भी मेन स्टेशन पर जा सकते हैं भाई। बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है भाई, मतलब 40 रुपीज़ ही लगता है सिकंदराबाद से हैदराबाद तक आने का। मैं भी जब आया था हैदराबाद रेलवे स्टेशन तो मैं भी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में उतरा था, स्टेशन के जस्ट बाहर में ही भाई मेट्रो मिल गई और मेट्रो से मैं 40 रुपीज़ दे के हैदराबाद टेकन रेलवे स्टेशन आ गया। और ये भाई डाउन हुसैन सागर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12701 भाई प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ चुकी है। मुझे जहाँ तक लगता है बॉस कि यही ट्रेन भाई मतलब 2:50 पर यही स्टेशन से रवाना हो जाएगी। जो भी साफ सफाई का कुछ काम होगा वो शायद स्टेशन पर ही खड़े खड़े कर दिया जाएगा शायद, श्योर नहीं हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ये देखो बहुत, यहाँ है प्लेटफॉर्म नंबर 4, यहाँ पर है प्लेटफॉर्म नंबर 3 और यहाँ पर है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 1। मतलब बहुत प्लेटफॉर्म सीरियल वाइज दिए गए हैं, बट जो एंट्री है स्टेशन का वो दिया है प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। बाकी प्लेटफॉर्म वैसे स्टार्ट है जैसे 1, 2, 3, 4 स्टार्ट होता है वैसे ही स्टार्ट है। वहाँ पर है 1, ये है 2, ये है 3
और यहाँ पर है 4। स्टेशन का जो एंट्री पॉइंट है वो दिया हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। और भाई सामने हमारा कोच S5, सीट नंबर है 7, साइड लोअर। हमेशा की तरह आज भी बॉस हम स्लीपर क्लास में ही ट्रैवल कर रहे हैं। चलो भाई चलते हैं अपने कोच में। गेट ओपन हो चुका है साफ सफाई होने के बाद। और जैसा कि बताया था भाई, ट्रेन मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आई थी, 4 पे ही साफ सफाई हो के भाई ट्रेन यहीं से चल देगी वापस। ट्रेन मतलब क्या बोलते हैं, शेड में नहीं गई और थोड़ी बहुत ही ट्रेन साफ हुई है बॉस। ये रहा अपना सीट, अपन ने सामान अपना रख दिया है। वाशरूम वगैरह कंडीशन भी अच्छा है। ये रहा भाई अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव, विजयवाड़ा का V4। जब ये ट्रेन आई थी बॉस, मतलब डाउन ट्रेन आई थी 12701, तो यही लोकोमोटिव लेके आई थी और यही लोकोमोटिव वापस इस ट्रेन को लेके जाएगी। बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर हुआ है बॉस हैदराबाद रेलवे स्टेशन से हमारा। पहुंच चुके हैं भाई अपने ट्रेन के दूसरे हॉल्ट पे, जो है विकाराबाद जंक्शन। स्टेशन कोड है VKB और ट्रेन हमारी यहाँ पर 25 मिनट डिले आई है और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है सिर्फ। और इस रेलवे स्टेशन को ओपन किया गया था 1874 में और ये रेलवे स्टेशन साउथ सेंट्रल रेलवे के जोन में आता है, डिवीज़न है सिकंदराबाद। टोटल प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर 3। चलो बॉस सिग्नल हो गया। इंस्टाग्राम क्या नाम है? इंस्टाग्राम ने यूट्यूब बनाया। YouTube 258 एक मंथ हुआ स्टार्ट किया।
भाई निकल रहे हैं हम बाड़ी रेलवे स्टेशन से। बॉस एक पंगा हो गया, पंगा मतलब ऐसा कि शूट कर रहा था, तभी भाई एक आरपीएफ पुलिस ने देख लिया और उन्होंने बोला परमिशन वगैरह नहीं है, वैसा वैसा बहुत कुछ बोलने लगे और उन्होंने मतलब मैंने जितना भी वीडियो शूट किया था वो सारा का सारा डिलीट करवा दिया। तो फिर से शूट कर रहा हूँ, तो भाई फिर से बता देता हूँ आपको वाडी जंक्शन के बारे में। तो भाई वाडी जंक्शन में अपनी ट्रेन भाई 20 मिनट डिले थी, यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप था और ये रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड WADI वाडी ही है। और इस रेलवे स्टेशन में टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स है और ये रेलवे स्टेशन सेंट्रल रेलवे के जोन में आता है और डिवीज़न है सोलापुर। और डिस्टेंस हमने हैदराबाद रेलवे स्टेशन से अभी तक कवर किया है 183 किलोमीटर्स का। तो अब भाई बताते हैं आपको थोड़ा बहुत इस ट्रेन के रूट के बारे में। अब हम लोग अभी वाडी जंक्शन से निकल रहे हैं बॉस, और हैदराबाद से बेगमपेट के रास्ते विकाराबाद होते हुए हम पहुंचे थे वाडी जंक्शन, और इसके बाद हमारी ट्रेन जो है वो कालापुरा के जंक्शन होते हुए पहुंचेगी सोलापुर, और सोलापुर रेलवे स्टेशन के बाद हम पुणे जंक्शन होते हुए पहुंचेंगे CSMT यानी छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन कल सुबह 5 बजे। डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं सोलापुर रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड है SUR और अपन की ट्रेन भाई यहां पर 10 मिनट डिले आई और यहां पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। सोलापुर रेलवे स्टेशन को बनाया गया था 1806 में और ये रेलवे स्टेशन सेंट्रल रेलवे के जोन में आता है, डिवीज़न है सोलापुर। यहां पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स है। आज तो भाई बाल बाल बच के भाई, अच्छा हुआ मतलब पुलिस वालों ने भाई सिर्फ बोला कि वीडियो डिलीट कर देने के लिए, अदरवाइज अगर फाइन मार देते तो भाई आज लंबा कम से कम 1000 रुपये का चूना तो लग जाना था। अब तो भाई कैमरा निकालने का भी डर लग रहा है, बिकॉज सच में बॉस मतलब वीडियोग्राफी करना गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी पे अलाउड नहीं है, उसके लिए अलग से परमिशन लेना पड़ता है, बट मैंने अभी तक परमिशन लिया नहीं है बिकॉज मेरा न्यू चैनल है बॉस, अभी 1 महीना ही हुआ है, बट फिर भी देखते हैं। मुझे तो लगता है इसके बाद शायद ही भाई आगे कंटिन्यू हो पाएगा, ब्लॉग जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा ही करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे मेरे साथ ये पहली बार हुआ है बॉस, मतलब एक डेढ़ महीने से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ बॉस, बहुत जगह बहुत लोगों ने मतलब देखा, बहुत पुलिस वालों ने देखा मतलब कैमरा ऑन करके वीडियो करते हुए, बट कभी किसी ने रोका नहीं बॉस। ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ है कि अचानक से भाई मतलब मैं करते करते जा रहा था और देख लिया उन्होंने, बंद करने के लिए बोला। हैदराबाद में भी जब मैं स्टेशन पे था ब्लॉगिंग कर रहा था तो भाई कितने सारे पुलिस वाले आने जाने कर रहे थे, बट किसी ने नहीं रोका। खैर जो हुआ सो हुआ। अब हमारी ट्रेन का सिग्नल भी हो चुका है, अब हम चलते हैं अपने कोच में।
के 4:05 और हम अभी निकल रहे हैं कल्याण रेलवे स्टेशन से। ट्रेन हमारी यहाँ पर 20 मिनट डिले आई थी बहुत, और यहाँ पर हमारे ट्रेन का 3 मिनट का स्टॉप था उससे। हम सोचा था बॉस पुणे जंक्शन को कवर करेंगे रात को 1:10 पर, लेकिन बॉस ऐसे नींद लगी कि दोबारा मतलब 20 मिनट पहले पहुँच के छूट भी गई और पता भी नहीं चला बॉस कब पार हो गई पुणे जंक्शन। फाइनली भाई पहुंच गए दादर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। 15 मिनट डिले बॉस हमारी ट्रेन आई है। और ऑल ओवर जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं तो भाई जर्नी एक्सपीरियंस अच्छा था, बस एक ही प्रॉब्लम हुआ, बस पंगा हो गया भाई कि आज मतलब एक आरपीओ पुलिस वाले ने भाई मतलब रोक लिया हमें। फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, बट ठीक है भाई, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अभी तो आगे कितना कुछ होना, कितना कुछ देखना बाकी है हमें, इस सब चीज़ों मतलब हमें इन सब चीज़ों को लेके बैठना नहीं, बस आगे बढ़ते रहना। अभी तो जस्ट स्टार्ट किया, अभी तो आगे पूरी लाइफ की जर्नी ही बाकी है। तो चलो आज का वीडियो करते हैं यहाँ पर खत्म। आप सभी हंसते रहो मुस्कुराते रहो, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना। ऐसे ही बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस चैनल पर आती रहेंगी। मिलेंगे आपसे फिर एक नए सफर में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।